नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से। आज एक बेसिक ब्लॉक जो हम बनाना सीखेंगे उसका नाम है फ्लाइंग गीस। तो आप देखिए, आज हमारी जो फैब्रिक लाइन है फ्लाइंग गीस के लिए जो हमने यूज़ की है, उसमें हमने चार प्रिंट्स, एक ही प्रिंट है लेकिन अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स हैं, और हमने छह सॉलिड कलर, सॉलिड जिसको हम इंडिया में प्लेन कलर्स कहते हैं उसको सॉलिड कलर भी कहा जाता है, हमने उसके साथ यानी हमने 10 डिफरेंट फैब्रिक्स के साथ हमारा ये फ्लाइंग गीज बनाया है। तो मैंने इन सब फैब्रिक्स को पहले से ही काट लिया है और हम इसके स्क्वेयर्स बनाएंगे। तो स्क्वेयर को आप किस साइज से काटेंगे, क्योंकि हम ये 4 इंच बाई 2 इंच कर रहे हैं, तो मैं आपको उसके डायमेंशन दे देती हूँ। जब आप 4 इंच करना चाहते हैं फिनिश प्रोडक्ट, तो आप उसमें 1.25 इंच और 1 1/4 इंच, विच इज ये 1 इंच और ये क्वार्टर, 1 1/4, ठीक है। तो जो भी मैंने साइज डिसाइड किया है मैं उसमें 1/4 इंच ऐड कर दूंगी। तो क्योंकि मैंने मेरा फिनिश साइज 4 इंच चाहा है, तो मैं इसको 1 2 3 4 और 1/4 इंच, तो 1 1/4, तो 1.25 इंच के साइज से मैं इनके स्क्वायर्स बनाऊंगी, 1.25 इंच के। और मुझे इनके साथ कंट्रास्ट, आप देखिए ये दो कलर है, तो अगर मेरा बड़ा ट्रायंगल जो है उसके लिए मेरा स्क्वायर 5 1/4 इंच का होगा, तो मेरा छोटा उसी के प्रोपोर्शन में होगा। तो अब छोटा मेरा फिनिश जो है वो 2 इंचेस है, 2 इंच है, तो इसको मैं बढ़ाऊंगी बाई 7/8 इंच। अब 7/8 इंच आप कहेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आप देखिए जो क्विल्टिंग रूलर्स होते हैं उसमें 8 डिफरेंट ब्रेक्स होती है पर इंच, देर आर 8 डिफरेंट पार्टीशंस, तो आप उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7/8 हो गया, क्योंकि 8 में से 7 भाग आपने ले लिए, 7/8 जिसको कहते हैं, है ना, बटास में। और आपका 2 का साइज है फिनिश, तो 1 2 एंड 7/8 यानी ऑलमोस्ट 2.75 इंच, ये साइज से आपके छोटे स्क्वेयर्स कटेंगे। ओके, तो ये मैंने पहले स्ट्रिप्स काटे हैं हर कलर के, ये देखिए मैंने ये हर कलर के 1.25, 5 1/4 इंच के साइज से स्ट्रिप पहले काटा, और उसको मैंने सेल्वेज ट्रिम करने के बाद, और जो छोटा स्ट्रिप है इसी कलर मैंने हर कलर में काटा है, तो ये है मेरा 2 1/7/8 इंच, ठीक है। इन सब स्ट्रिप्स को स्क्वेयर्स में बना दूंगी, तो 5 1/4 इंच का स्ट्रिप है, तो मैं इनमें से 5 1/4 इंच साइज के स्क्वेयर्स बना दूंगी। 2 7/8 इंच की विड्थ है, मैं इनके स्क्वेयर्स भी 2 7/8 इंच से काटूंगी। तो उस तरह से हम सब कलर्स के स्क्वेयर्स बना देते हैं। तो अब आप देखिए मैंने सारे स्क्वेयर्स काट लिए हैं, बड़े भी 5 1/4 इंच के और छोटे भी जो 2 7/8 इंच के हैं। तो आप देखिए जो मेरा फेवरेट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने 6 सॉलिड और 4 प्रिंट्स लिए हैं, तो अब मैं उतने परम्यूटेशन से हर एक ब्लॉक को बना सकती हूँ। जैसे अगर आप देखिए ये वाला है, तो मैं इस कॉम्बिनेशन से पिंक से कर सकती हूँ, फिर ये वाला, यही कलर अब हम चलते हैं। आप देखिए हम रेड से भी बना सकते हैं, ये हमने ब्लू में बना सकते हैं। आप देखिए सबके साथ ये कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे, खाली इतना हमको ध्यान रखना है कि जब हम प्रिंट बड़ा स्क्वायर लेंगे तो हम छोटे स्क्वायर जो हैं वो सॉलिड कलर्स में लेंगे, और जब हम बड़ा स्क्वायर सॉलिड लेंगे तो छोटे स्क्वायर प्रिंट में लेंगे। मैं आपको एक के साथ ये टेक्निक बता देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ये कॉम्बिनेशंस कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए। और उसी तरह से अगर हम सॉलिड्स के साथ चलें, ये जो स्क्वायर्स हैं, आप सोचेंगे अब कितने स्क्वायर्स, क्या हम कितने स्क्वायर्स यूज करेंगे, तो ये जो बड़ा एक स्क्वायर है उसके साथ आपने 4 छोटे स्क्वायर्स लेने हैं। तो अगर मैंने ये कॉम्बिनेशन लिया है, तो मैं इसके 1 2 3 4, ये मैं जब मेरी कटिंग करूंगी, मैं जब काटूंगी तो मैं इस प्रोपोर्शन में काटूंगी। ये जो आपका बैक साइड है, छोटे स्क्वायर का बैक साइड है, उसमें मैं एक डायगोनल लाइन खींचूंगी, जस्ट 1। यही यही स्टेप, यही टेक्निक, यही क्रिया आप हर एक बड़े स्क्वायर के साथ करेंगे। और ये मैंने इसके इस कॉर्नर में ऐसे फिक्स कर देना है, एक इसके
ऊपर के एंड में और एक जो मेरा रेडी है बैक साइड, देखिए ये राइट साइड टुगेदर है, जो सीधी तरफ है वो इकट्ठी है, सीधी तरफ साथ में है, और जो रॉन्ग साइड है उस पर हमने लाइन ड्रॉ करी है, और हम दोनों तो ये ओवरलैप करेगा, होना चाहिए, दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि हमारे प्रोपोर्शन उस तरह के हैं। अब हम इनको पिन कर देंगे, ये जो छोटे स्क्वायर्स हैं इनको हम बड़े स्क्वायर्स के साथ पिन अप कर देंगे। और ये जो डायगनल लाइन आपने बनाई है उसके उसके ऊपर आप नहीं सिलाई करेंगे, उसके बगल में राइट साइड में क्वार्टर इंच छोड़ के आप सीम करेंगे या सिलाई करेंगे, और लेफ्ट साइड में भी क्वार्टर इंच छोड़ के ऐसे दोनों तरफ आप सीम करेंगे। मेरे पास कुछ रेडी ब्लॉक्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ब्लैक कॉम्बिनेशन में, तो मैंने ये देखिए बड़ा बड़ा जो है मेरा सॉलिड पिंक है इसमें, और छोटे जो हैं मेरे ब्लैक स्क्वायर्स हैं, और अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो मैंने दोनों तरफ इनको सीम टुगेदर कर दिया है। देखिए इसमें मैंने रेड बैकग्राउंड लिया, मैंने सेम ब्लैक, तो मैंने ब्लैक स्क्वायर्स को ही इसके साथ वो करा है, डिसाइड किया है मैंने कि ऐसे यूज़ करूँगी। जो आपने लाइन बनाई थी याद रखिए, पॉइंट टू पॉइंट, कॉर्नर टू कॉर्नर, पॉइंट टू पॉइंट, किनारे पे प्रिसिशन का काम है, तो बहुत ध्यान से और बहुत उस आराम से इसको आप हम इसको अब जब आयन करेंगे तो वी विल आयन टूवर्ड्स द डार्क साइड, लेकिन उससे पहले हम हमारे स्टिचेस को सेट कर लेंगे। ये जितने ये एक टेक्निक है, ये क्विल्टिंग की कम्युनिटी में हर एक को होता है कि हम अपने स्टिचेस सेट कर लें, यानी ये आसानी से खुले ना, ये खुल जाते हैं, तो इसके लिए इसको आप सेट कर लीजिए। एक बार ये आपका स्टिच सेट हो गया, नाउ यू कैन आयन टूवर्ड्स द डार्क कलर। तो डार्क हमारा छोटा है तो हम उसकी तरफ इसको रोल ओवर करेंगे, इस तरह से हमारे रोल ओवर हो गए। अब दो टेक्निक्स हैं, एक ये टेक्निक है जिसमें आपने इसको रोल ओवर करा है, और दूसरा टेक्निक है जिसमें आप सीम अलाउंस खोलते हैं, जो मुझे पसंद है। मैं आपको दोनों टेक्निक्स दिखा रही हूँ। तो पहले मैं इसको सेट कर लूँगी मेरे स्टिचेस को, और अब मैं इसको आई ओपन द सीम अलाउंस, ये जो सीम अलाउंस है मैं दोनों तरफ इसको खोल लूँगी। तो आप देखिए कि मैंने ये फिंगर प्रेस कर लिया है, मैंने मेरी सीम्स खोली हैं, बहुत ध्यान से इधर एक बार लगा के सीम खोल के इसको आयन कर दूंगी। तो अब हम जो रिमेनिंग बाकी के जो दो छोटे स्क्वायर्स थे जिन पे हमने पहले से ही लाइन बना ली है, अब हम उसको अरेंज करेंगे। तो वो जो लास्ट पॉइंट है आप उस पॉइंट पे ही इसको सेट करेंगे, और आप देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अब हम उसको एक पिन दे देंगे। आप पिन अप करिए, ये आप देखिए जो लाइन है हमारी लाइन है उसके आप क्वार्टर इंच राइट साइड और क्वार्टर इंच लेफ्ट साइड उस पर आप स्टिच करेंगे, सिलाई देंगे, और आप इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए हमने ग्रीन और ये जो ब्लैक जैसे पीसेस हैं वो स्क्वायर्स लगा के इसको हमने आइदर साइड स्टिच कर दिया है, देखिए। और अब हम इसको जब काटेंगे ये देखिए हमारे ये दो बन गए हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा आप इसको रोल ओवर करके आयन कर सकते हैं या आप इसकी सीम अलाउंस खोल के आयन कर सकते हैं। अब आप इसके जो डॉग ईयर्स हैं ये देखिए, ये जो हमने आयन किए तो ये जो पीछे का हिस्सा है जो एक्स्ट्रा है, कि ये डॉग ईयर्स की तरह नहीं है, अगर आपके घर में कुत्ता या बिल्ली हो तो बिल्कुल उसी की तरह उनके कानों की तरह है ये, तो इसको अब हम ट्रिम आउट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये हमारे दोनों फ्लाइंग गीस तैयार हो गए हैं, और एक ब्लॉक में हमें चार मिल जाएंगे। तो अब हमने देखिए एक स्क्वायर के साथ ये चार 1 2 3 4 फ्लाइंग गीस तैयार कर दिए हैं, और आप ये जो पीछे ये ट्रायंगल के पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है प्रिंट वाला वो रहेगा, क्योंकि वो
जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये सीम अलाउंस बन जाएगा, जब आप इनको जोड़ेंगे और खोलेंगे तो ये सीम अलाउंस हो जाएगा। तो वन बिग स्क्वायर एंड फोर स्मॉल स्क्वायर, और आपको हर कॉम्बिनेशन में, अब आप सोचिए इसका हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं जिसमें हम ब्लैक अंदर और ग्रीन बाहर रख सकते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। और मैंने दो बेसिक असेंबलीज आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये जो डिज़ाइन है इसको हम शेवरॉन कहते हैं, ये जो वीज बनते हैं, और आप इसकी पूरी वेव बना सकते हैं जो मैंने बनाई है, आपसे दिखाऊंगी। और ये एक और है, तो आप देखिए मैंने इसको कॉन्ट्रास्ट किया है। अब इसको लेआउट करना कितना आसान है, देखिए अब आप हर कॉम्बिनेशन में से बना सकते हैं और इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल क्विल्ट बनती है। ना आपको कोई पैटर्न चाहिए, ना आपको कोई बुक्स चाहिए, आप उसी से कर सकते हैं। यू जस्ट कीप मूविंग। अब जैसे मैं एक और आपको दिखा देती हूँ लेआउट, आप ये देखिए सेम थिंग, मैंने सॉलिड अंदर और प्रिंट बाहर, और यहाँ प्रिंट अंदर और सॉलिड बाहर, और उसको तीन तीन के मैंने फ्लाइंग गीज एक कलर कॉम्बिनेशन के जोड़ दिए हैं। और उसको थोड़ा और एनहांस करने के लिए, थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैंने एक ब्राउन बॉर्डर ऐड कर दिया है इसके साथ और ब्लू इसके साथ। ये देखिए ये मेरा प्राइमरी ब्लॉक बन गया फ्लाइंग गीज को जोड़ के और बॉर्डर लगा के, और इससे मैंने फिर बड़ा ब्लॉक बनाया। तो मैंने ये चार चार के पहले ब्लॉक्स बनाए हैं, 1 2 3 4, और फिर मैंने इसको बढ़ाया है। तो आप देखिए कि यू नो जस्ट माई इमेजिनेशन, मेरा आइडिया कि मैंने इसमें मेरी गीज को बाहर, तो एरोज ही एक तरह से हैं जो बाहर पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ लेफ्ट में कर रहे हैं। तो क्योंकि ये ऊपर था तो इस तरह मैंने नीचे कर दिया, ये लेफ्ट था तो ये राइट कर दिया। ये एक ब्लॉक बन गया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ये वाला लेफ्ट में बाहर जा रहा था तो इसको राइट कर दो, ये ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे कर दो, तो ऑपोजिट्स कर दिए। तो इट्स ऑल माई इमेजिनेशन।